और जो भी जितने भी स्टूडेंट हमारे YouTube चैनल प्रेम बोलने से जुड़े हुए हैं उनके लिए सभी के धन्यवाद। जो टेंथ की क्लास हम पर पढ़ा रहे हैं उसमें साइंस का टॉपिक चल रहा है विद्युत धारा, जो विद्युत धारा टॉपिक चल रहा है उसमें अपन क्या बात कर रहे हैं विद्युत धारा में, और जो विद्युत धारा हमने चार क्लास पाँच क्लास पढ़ा चुके हैं, ये अपनी इस चैप्टर की विद्युत धारा ये लास्ट क्लास है, इसके बाद में अगला चैप्टर चालू करें। देखो दोस्तों अपन बात कर रहे हैं चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है उसको बता रहे हैं, चुंबकीय प्रेरण क्या होता है कैसे करते हैं इसको, उसके बाद चुंबकीय फ्लक्स होता है डीसी एसी मतलब सब बताएंगे आप। तो हम बात करते हैं चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण भाई विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है ये बात करिए भाई कैसे। तो पहले सबसे पहले तो अपन डायग्राम बनाते हैं, तो डायग्राम बनाते तो डायग्राम कैसे बने भाई, अपन को छड़ लेते हैं छड़, तो अपन ने कोई मान के छड़ ली, अपन ने इधर ले ली ये कोई अपन ने छड़ ली, ये अपन ने कोई भी लोकी छड़ ले लिया, इस छड़ में क्या अपन नॉर्थ और साउथ दर्शा देते, तो ये हो गया नॉर्थ और ये साउथ और नॉर्थ दोनों दर्शा रहे। उसके बाद इस वक्त क्या मतलब इसमें से धारा प्रवाहित करके धारा निकालेंगे, तो हम कैसे निकालेंगे एक डायग्राम बनाएगा इसको, जो मतलब जो धारा निकलती है वो देखो भाई कि इधर से अपन ने ये लिए, यहाँ से अपन ये लिए, उसके बाद अपन भाई जो ये छड़ है छड़ इसमें से कुछ निकलेगा तो ऐसे ये इस प्रकार से हो जाते हैं, और इसमें कोई चुम्बन को लगा देता अपन, यहाँ लगा देते कुंजी लगा दी, कुंजी लगा दी कैसे कुंजी दर्शाया कि वही धारा प्रवाहित होगी, और जो धारा होगी वो किस प्रकार से बाहर निकलेगी, हम देखो भाई यहाँ से ये एक्स निकल जाएगी ऐसे निकल जाएगी ऐसे निकल जाएगी, धारा ही तो है भाई इस प्रकार से बोले, ये एक डायग्राम बनाए। अब जो इसकी लेंथ भी जो कैसे होगी भाई, अपनी कुंडली तो लिए कुंडली होगी, तो अपन ये कह सकते एक धारा आपकी कुंडली में क्या जोड़ते हैं, एक धारा भाई कुंडली में जोड़ दिया भाई, एक कोई धारा कुंडली है इसमें अपन ये छड़ को अपन ने जोड़ दिया गया है, तो अब लैंग्वेज क्या होगी सॉरी भाई, क्योंकि तो छड़ को चुम्बक में के जो ये छड़ होती है ये छड़ पास लाते हैं भाई, जो छड़ होती है कुंडली के पास लाएंगे उसमें धारा भी चुभित होगी, तो धारा विक्षिपित होती है, जो धारा विक्षिपित होती है तो भाई अर्थात मतलब कुंडली में धारा बह रही है, तो अपन क्या कह सकते अर्थात में धारा बहती है भाई, कुंडली में धारा बहती है अर्थात कुंडली में धारा क्या होती है बहती है, धारा बह रही कुंडली में मतलब अर्थात
कुंडली में धारा बहती है, तो अपन अब जो उसकी लैंग्वेज हुई भाई तो मतलब क्या है, धारा कमान कुंडली और चुम्बक को गति ठीक करता है, क्या कह सकते हो, क्या कह सकते हो भाई गुरु, धारा कमान चुम्बक पर क्या करता भाई, निर्भर करता चुम्बक की गति पर निर्भर करता, मतलब ये धारा का मानक चुम्बक और कुंडली, चुम्बक और कुंडली जो गति करेंगे ना इधर ये छड़े चुम्बक छड़े, अब ये गति करेगा तो धारा बोल ये मेरी धारा वेरी यहाँ पे, तो इस पर निर्भर करती है। तो अब जो लैंग्वेज पढ़ेगी अपनी वो लैंग्वेज देखो भाई, इसको मिटाते पहले ये जो लैंग्वेज बनेगी अपने पास में लैंग्वेज बन जाएगी कि किसी कुंडली और चुम्बक के बीच में किसी भाई इंपोर्टेंट भाई किसी कुंडली व चुम्बक के बीच गति, तो चुम्बक और कुंडली के बीच गति हो के बीच सापेक्ष गति, सापेक्ष गति के कारण कुंडली में धारा क्या होती है भाई, धारा उत्पन्न हो जाती है, धारा उत्पन्न हो जाती है, तो इसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। क्या कहलाते भाई, किसी कुंडली और चुम्बक के बीच जो गति विक्षेपित होती है, विक्षेपित गति के कारण क्या कुंडली में धारा उत्पन्न हो जाती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं दोस्तों। ये आपको पता ही होगा बहुत, इस प्रकार से आपको ये चुंबकीय प्रेरण आपको बता दिया गया है। अब देखते हैं अगली बात करते हैं, चुंबकीय प्रेरण के बाद में जब जो बात कर रहे हो तो विद्युत चुंबकीय फ्लक्स के बारे में, इसके बारे में बात करते हो चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, जो उसकी लैंग्वेज बनती है भाई कोई अपन लेते साथ है। इसके पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखा भाई, इसकी जो पृष्ठ है इसलिए इसे जो गुजरने वाली चुंबकीय रेखा है
गुजरने वाले अपन क्या कह सकते भैया स्कूल है किसी चुन के क्षेत्र में किसी चुन के किसी चुन के क्षेत्र में रखे पृष्ठ से चुनके क्षेत्र में रखे पृष्ठ से गुजरने वाली ये कह सकते गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखा गुजरने वाली चुंबकीय रेखा जो पृष्ठ की संख्याओं उस पृष्ठ से संबंध और उस पृष्ठ से संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं क्या कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। इस प्रकार से अपन को लैंग्वेज की भाषा देनी पड़ेगी। भाषा जो अपन लैंग्वेज लिखते हैं मतलब परिभाषा लिखते हैं तो वो क्या होगा भाई किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ से भाई ये चुंबकीय पृष्ठ है इसमें रखे हुए पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय रेखाओं की संख्या भाई कितनी ये रेखा गुजर चुकी है भाई ये कितनी गुजर चुकी है उनकी रेखा हुई ये गुजरने वाली रेखाओं तो उस पृष्ठ की संख्या मतलब कितने पृष्ठों की संख्या है उसको पृष्ठ से संबंध बोल पृष्ठ से संबंध को चुनके फ्लक्स कहते हैं जब इसकी संबंध में संपर्क में आ रही है तो इसी क्या कहते हैं चुनके फ्लक्स कहते हैं और चुनके फ्लक्स का मात्र कहते हैं बेवर होता है दोस्तों। अब और आगे बात करते हैं जो विद्युत जनित होती है क्या होती है विद्युत जनित विद्युत जनित जो विद्युत जनित होती है दोस्तों दो प्रकार होती है विद्युत जनित दो प्रकार होती है एक तो होती डीसी और एक होती एसी डीसी एसी जनित तो अपन क्या कह सकते हो भाई एक तो होती है प्रत्युक्ति धारा और एक दिष्ट धारा जो डीसी होती है वो होती है ज्येष्ठ धारा अपन इसको कह सकते हैं भाई प्रत्यावर्ती धारा क्या कह सकते हो भाई प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती धारा कह सकते हैं तो भाई जो डीसी होती है ये क्या काम करती है ये भाई डीसी जो विद्युत धारा होती है विद्युत धारा को किसमें चेंज करती है यांत्रिक ऊर्जा यांत्रिक विद्युत ऊर्जा वो यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तन कर देती है और एसी होती है वो आई यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है तो डीसी होती है डीसी मतलब डीसी और एसी तो डीसी बराबर होता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करती है और एसी का मतलब होता है यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा
दोनों क्या है विपरीत होती है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर कीजिए। और ये आज ये चैप्टर का अंतिम क्लास थी, ये चैप्टर पूरा होगा। कल जो अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर भाई, इससे अगला चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे जो कार्य ऊर्जा और पावर एंड शक्ति, मतलब कि भाई ये चैप्टर वाले कहेंगे कल अपन कार्य शक्ति ऊर्जा अध्याय नंबर 10 ये स्टार्ट करने वाले दोस्तों। तो अगला वीडियो हम डाल देंगे और आप देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, अच्छे से अच्छा और बेस्ट पढ़ाया जाएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।